हर वर्ष मुंबई शहर में जब भी बारिश का मौसम आता है तब सबके जहन में एक ही सवाल होता है कि इस बारिश के मौसम में फिर से बाढ़ तो नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से 2005 में बाढ़ की स्थिति बनी थी जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी क्योंकि बाढ़ जो थी उसकी तीव्रता बेहद ज्यादा गंभीर देखी गई थी। जिसके बाद बीएमसी हर वर्ष कुछ ना कुछ नए प्लान्स लाती है, पंपिंग स्टेशन कहो, अंडर वाटर स्टोरेज प्लान कहो, लेकिन इस बार महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मित्र सरकार की जो एक फर्म है, वो जापान की कंपनी के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड वाटर रिवर प्रोजेक्ट जो है उसका प्लानिंग कर रही है। सिर्फ ये प्लानिंग ही हुई है, स्टडी चल रही है, इसका अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त पी वेलारसु सर हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। सर, जिस तरीके से ये अंडरग्राउंड रिवर प्लान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जापान के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग हो रही है, तो क्या होगा, इसका इस्तेमाल किस तरीके से ये बाढ़ की स्थिति से बचा सकता है मुंबई को? नहीं, बॉम्बे में क्या है, आपको मालूम है बॉम्बे में ओरिजिनली कैसे बनाया, वो 7 आइलैंड्स थे उसको जोड़ के बॉम्बे बनाया गया। सो इसमें क्या है, बहुत एरिया में जमीन का जो लेवल है समुद्र का लेवल से नीचे है, इसको जैसे बहुत जगह में फ्लडिंग होता है। सो हमारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब रिसेंटली जापान गए थे, उस टाइम भी उधर उन लोग से बातचीत हुआ। सो उधर जापान में जो टेक्नोलॉजी अडाप्ट किया है वो टोक्यो सिटी में भी ऐसा पहले बहुत फ्लडिंग होता था, उधर भी अपना समस्या उससे बहुत ज़्यादा गुना समस्या था। फिर उन्होंने क्या किया, उधर एक बढ़िया लंबा जमीन के नीचे एक टनल बनाया, मल्टी लेवल टनल बनाया, उसमें बहुत खर्चा किया। उसके बाद क्या है, वो टोक्यो सिटी का जो भी फ्लडिंग का प्रॉब्लम था ये बिल्कुल दूर हो गया था। सो हमारा डिप्टी सीएम का विचार है वो जो प्रोजेक्ट है वैसा प्रोजेक्ट बॉम्बे में भी होना चाहिए। बॉम्बे का जो पब्लिक है उसको पानी की वजह से, बारिश के टाइम में पानी की वजह से, फ्लडिंग की वजह से कोई तकलीफ ना होना चाहिए, ऐसा विचार है। फिर उसका हिसाब से वो मित्रा का भी आदेश दिया, अभी मित्रा का लोग मिस्टर परदेश ही है, उनका साथ हमारा भी मीटिंग हुआ और जापान से भी टीम आए थे स्टडी करने के लिए। सो जापान से टीम आने के बाद उनसे हम डिस्कस किया और उन लोग का हम ये भी बताया, अभी लास्ट 2-3 साल में बीएमसी में हम बहुत काम हाथ में लिया है। आपने बताया फ्लड वाटर होल्डिंग टैंक्स, 2-3 फुटबॉल मैदान है, उसको बारिश का टाइम जो पानी आता है उसको होल्ड करके रखने के लिए उसको बहुत बड़ा टैंक बनाया और ऊपर कंक्रीट स्लैब डाला, उसको जैसे कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में हमको रिलीफ मिला। अभी हिंद मादा में पानी भरता नहीं, मिलन सभ्य में पानी नहीं भरता, ऐसा 2-3 साल से पानी नहीं भरता, ऐसा हमको लोग का थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लोग का उधर पानी की वजह से ये 2-3 साल तकलीफ नहीं है। फिर भी एक बड़ा नया समस्या है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, उसमें क्या होता है जो पूरा मानसून सीजन में जो भी बारिश गिरना चाहिए वो क्या 3-4 दिन में जोर से गिर जाता, वैसा बहुत बड़ा भयानक बारिश गिरेगा। आपको मालूम है 2005 में 400-500 एमएम पानी गिरा, बहुत लोग का हालत ख़राब हो गया, कुछ लोग का डेथ भी हो गया था। सो आगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में ऐसा उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सट्रीम इवेंट्स, वो एक्सट्रीम इवेंट्स का संभावना बहुत ज़्यादा है, तब ऐसा होगा। फिर वो सिटी का अभी जो हम कामकाज कर रहा है, फ्लड का जो टैंक बना रहा है, कुछ छोटा छोटा काम कर रहा है, उसमें से नहीं होगा। इसके लिए सिटी के अंडर एक बढ़िया बड़ा टनल का नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क का फायदा क्या है, तब ज़्यादा बारिश गिरेगा जो पानी है टेम्पररली कहीं तो हमको स्टोर करना पड़ेगा। सो वो नीचे जमीन के नीचे टनल नेटवर्क रहेगा, उसमें वो पानी चला जाएगा, तब समुद्र का लेवल लो टाइड में जाएगा, उसको लेवल अंदर उतरेगा, उस वक्त वो पंपिंग स्टेशन रहेगा, वो पानी का उठा के वो समुद्र में हम फेंकेंगे, ऐसा प्लान है, दिस इज आइडिया। इसमें अभी ये भी विचार चालू है, अभी मिट्टी नदी के नीचे ऐसा बड़ा टनल बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी नदी का एरिया में हमेशा हम देखेंगे तो उधर वो एरिया में लोग का समस्या है, बारिश का टाइम में पानी भर जाता है, बहुत स्लम एरिया में पानी घुस जाता है। सो मिट्टी नदी के नीचे ही टनल बन सकता है, ऐसा भी एक आइडिया है। सो बट अभी इमिडिएटली हम जापान का टीम के साथ ये डिस्कस किया था, हमारा जो फ्लड का समस्या का दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान बना गया था, उसको हम बोलते हैं ब्रिमस्टॉवर्ड, वो बन के कम से कम 25 साल हो गया, 25 साल में शहर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, सब तरफ नया नया बिल्डिंग बन गया, रोड कंक्रीट हो गया, सो बहुत चेंजेस आ गया। सो अभी
जापान टीम का हम ऐसा रिक्वेस्ट किया था, अभी एक नया मास्टर प्लान बना लो हमारा सिटी के लिए, और मास्टर प्लान में जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, लाइक मिट्टी रिवर का एरिया है, और नॉर्थ में भी कुछ पोइसर नदी में भी कुछ एरिया अफेक्टेड है, ठीक है, अलग अलग लोकेशन है, स्पेसिफिक एरिया है कहाँ बारिश की वजह से, पानी की वजह से लोग को तकलीफ होता है, वो स्टडी करके उधर इमिडिएटली क्या कर पाएंगे, फिर टनल नीचे जमीन के नीचे टनल कहाँ कहाँ कर पाएंगे, और टनल करना बहुत कॉस्टली प्रकार है, बहुत खर्चा भी होता है, सो हमारा विचार ये भी है वो टनल तब बनाएंगे, उसको दो पर्पस हो सकता है, दो पर्पस मुझे 9 महीना वो ट्रांसपोर्ट टनल रहेगा, उसमें गाड़ी भी जा सकता है, एक कोने से एक कार्नर से दूसरा कार्नर का गाड़ी गिड़ी भी जा सकता है, LMV वगैरह जो गाड़ी भी जा सकता है, तब मानसून का टाइम है बारिश का समय में उसको रास्ता बंद करके उसको वाटर लॉक लगा के उसको पानी का ट्रांसफर करने के लिए, पानी का स्टोर करने के लिए ऐसा टनल रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा टनल कहीं जाए। लेकिन मिठी नदी का जो ये सर एरिया है काफी बड़ा है, तो कितने किलोमीटर का ऐसा सोचा जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज? मिठी नदी का जो लंबी है लगभग वो 14-15 किलोमीटर है, बट जो जो पवेल लेक का आसपास जो मिट्टी नदी है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, और उधर बहुत कड़क भी है, राक है, सो उधर तो नहीं कर सकता, बट वो 7-8 किलोमीटर के बाद लगभग 12 किलोमीटर मिट्टी का जो स्लोप है थोड़ा स्मूथ है, सो उसको नीचे टनल बना के 11 से 12 किलोमीटर टनल बना के उधर एक एंड में एक पंपिंग स्टेशन बड़ा करना पड़ेगा, करके उधर वो आजू बाजू का वो कैचमेंट एरिया का सब पानी उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, बट इसको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, ये जापान का टीम ये सब डिटेल स्टडी करने वाला है। जापान को ये जो आप प्लान बता रहे हैं जो उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है उसमें उन्हें 7 साल लगे थे और 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो इसमें क्या अंदाजन आपने ऐसा सोचा है कितना समय जाएगा या कितना खर्चा होगा? नहीं, वो जापान का जो प्रोजेक्ट किया है वो लगभग 20 साल का आसपास वो टाइम लिया है, वो जब मुझे वो पेसेस में किया, पहला पेस में 8 साल में किया, उसका बाद कुछ किया, उसका वैसा उसका 20 साल गया, उसमें खर्चा भी बहुत खर्चा हुआ, खर्चा मीन्स ये 1990 का पहले वो काम शुरू हो गया था, उसमें खर्चा भी लगभग उस वक्त का खर्चा 20,000 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ उनको, ना आज का तारीख में तो 60-70,000 करोड़ हो जाएगा, बट अपना प्रॉब्लम उतना सीवियर नहीं है, उनका समस्या उतना सीवियर नहीं है, इधर एकदम मास्टर प्लान बन गया, फिर उसका बाद टनल करने का जो भी टनल है उसको करने के लिए एवरेज मुझे टाइम लेता है 3 से 4 साल 5 साल, सो लेकिन मास्टर प्लान बनाना ज़रूरत है, और ये फ्लडिंग स्पॉट अभी बताया ना वो मिट्टी रिवर का जो एरिया है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से कम कहाँ हमेशा पानी भरता है, वो स्टडी करके वो एरिया का पानी पहले टनल का अंदर जाना चाहिए, उसका सबसे प्लान करना ज़रूरत है, वो प्लान होने के बाद वो 5-6 साल में वो एग्जीक्यूट हो सकता है। आपने जैसे बताया कि जापान की टीम यहाँ आई थी, तो क्या स्टडी किया गया, क्या जो आप प्लान बता रहे हैं मुंबई शहर में मुमकिन है मीठी नदी के नीचे टनल बनाना, क्योंकि आसपास कई सारे रहवासी इलाके हैं और स्लम है, तो क्या कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, दिक्कतें क्या आ सकती हैं, लेकिन मुमकिन है कि नहीं, यही बड़ा सवाल। अब देखिए ये जो टनल है, टनल इंजीनियरिंग में सबसे कम तकलीफ देता है, तकलीफ मुझे लोग का भी तकलीफ नहीं, क्योंकि टनल खोदने के लिए एक शाफ्ट लिया, वो जमीन का 40 मीटर 50 मीटर का नीचे चलते रहता है, उसको वजह से लोग का भी कोई तकलीफ नहीं, बिल्डिंग का भी कोई तकलीफ नहीं, कोई जानवर का भी कोई तकलीफ नहीं, ऊपर जो झाड़ है उसको भी तकलीफ नहीं, वो टनल 40-50 मीटर 100 मीटर तक नीचे जाता है। हाँ, सो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में टनल का जो सॉल्यूशन है बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, उसका इतना है थोड़ा वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ा खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये बाकी तकलीफ समस्या का कंसिडर किया तो टनल इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और कोई भी टनल है, कोई भी बड़ा टनल, अभी GMLR का टनल भी हम वर्क ऑर्डर दिया है, वो भी 5 साल में हो जाएगा, जो वो उसका लेंथ है 4.7 किलोमीटर, सो कितना भी बड़ा लंबा टनल है वो 5-6 साल में हो सकता है, उसका सबसे नंबर ऑफ शाफ्ट भी फिक्स करेंगे, वो शाफ्ट का एरिया उतना आपको कोल काम करना पड़ेगा, बाकी तो मशीन तो अंदर काम करेगा, और ये बाकी मेथडोलॉजी से थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में वो बढ़िया सॉल्यूशन।
आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जब जापान की टीम यहाँ पे आई थी तो उन्होंने क्या रिव्यू निकाला, क्या उन्होंने स्टडी में आपको बताया या फिर मुंबई शहर में ये जो प्लान है इसे पूरा करने में उन्होंने क्या क्या अपना रिव्यू दिया इस बारे में? नहीं, उन्होंने अपना पास आके मुंबई का पूरा इतिहास समझ के लिया, जो हम बोला ना वो 7 आइलैंड्स है, कैसे बनाया गया है, रिक्लेमेशन एरिया कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पानी भरता है, कितना कैचमेंट्स है, बिकॉज वो अलग अलग उधर 200 को ऊपर ज़्यादा कैचमेंट एरिया अलग अलग लोकेशन है, वो समझ के लिया। फिर वो हमारे पास वो डेटा भी उन्होंने मांग लिया, वो डेटा भी हम देने वाला उनको। ये सब स्टडी करने के बाद फिर वो प्लान करेगा, मास्टर प्लान बनाएगा, कौन सा एरिया में टनल करना है, कौन सा एरिया में नाला का वाइडनिंग करना है, वो मास्टर प्लान बनेगा। वो करने के बाद उसको फंडिंग बीएमसी भी थोड़ा फंडिंग करेगा, और इंटरनेशनल एजेंसी से जेका वगैरह है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में वो ये 1-2% इंटरेस्ट रेट में वो फंडिंग भी मिल जाता है, और टेक्नोलॉजी भी उनका रहेगा, फंडिंग भी उनसे ले सकता है, और एकदम मास्टर प्लान बन गया तो 5-6 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। नहीं, फंड्स के बारे में अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि एकदम मास्टर प्लान बनने के बाद ही वो आइडिया आ जाएगा, बिकॉज मास्टर प्लान बनने के बाद वो कितना टनल है, कितना लंबा है, डायमीटर कितना है, वो सब आइडिया आ जाएगा। सो एग्जैक्ट खर्चा तो उसके बाद ही आइडिया आएगा। ये परमानेंट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कंसिडर किया, ये टनलिंग करके अंडरग्राउंड में वाटर स्टोर करना, इसमें परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर थे मुंबई महानगर पालिका के वेला रसू सर, उन्होंने कहा कि ये जो प्लान है एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हर साल बारिश का मौसम ठंडी के मौसम में देखा जाता है या फिर गर्मी का जो मौसम है थोड़ा देर से देखा जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है भारी असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का हर जगह पर, हर एक शहर में, हर एक इलाके में। इसी वजह से मुंबई महानगर पालिका का ये जो प्लान है एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसकी बस शुरुआत हुई है, स्टडी करने में समय जाएगा, उसे ऑन ग्राउंड रियलिटी में टनल बनाने में समय जाएगा, 5-6 साल का समय जाएगा, उसमें कई हजार करोड़ की भी लागत होगी, लेकिन जिस तरीके से ये प्लान है, ये प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि एक परमानेंट सोल्यूशन मुंबईकरों को बाढ़ की स्थिति से बचाने में दे सकता है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।